चलना चाचा पीछे क्या सब आगे पीछे नहीं आगे देखिए सोनल जी जल के मर जा रुकिए रुकिए सोनल जी ये एक क्वेश्चन वाला है गाड़ी को उठाने वाला है सोनल जी शाम को मिलते फोटो नहीं मिला सकते एक मिनट चलो 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 साइड हो जाओ गुड टू सी यू बहुत ही सुंदर फ्रेम लग रही है आज रेडी रेडी फर्स्ट ऑफ ऑल तहार सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे क्योंकि आप ही इस पूरी शिप को चला रहे हैं लीड कर रहे हैं मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में कैसा रहा एक्सपीरियंस जिस तरीके का लोकेशन है आपका लुक है काफी शानदार है और काफी लंबे टाइम से हम इस तरीके के तहार को देखने का इंतजार कर रहे थे क्या कुछ बोलना चाहेंगे सबसे पहले थैंक यू और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट एक बंदे से या एक बंदी से नहीं होता है एक पूरी टीम की मेहनत होती है एंड आई थिंक दैट द ब्यूटिफुल फैक्टर ऑफ दिस इज ऑलवेज गोना बी सोनल एंड मोर देन दैट आई फील दैट दिस कोई भी गाना जो है आवाज़ से चलती है सो विदाउट अफसाना खान राइट देर इज नो म्यूजिक वीडियो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन टू अदया म्यूजिक बिकॉज दिस इज देयर फर्स्ट सो थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग सच एन इनक्रेडिबल कंपनी एंड प्रोवाइडिंग सच इनक्रेडिबल म्यूजिक एंड नाउ लेट्स गेट टू द सॉन्ग मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गाना है इसमें एक अरबी वाला फील जो है आई थिंक इज़ वेरी यूनिक द टच ऑफ इट एक यू नो इट्स ऑल्सो शॉट इन अ वेरी पीरियड वे सो इट ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ यू नो
antiques, the kind of art design that the directors used. So I would just like to say that it's a beautiful music, and I have enjoyed tremendously working with incredible people, and I hope that we get to create magic in the near future. Thank you so much. Thank you. I think Taha ने बहुत सारे points तो already cover कर लिए हैं और मैं इनसे बिल्कुल agree करती हूँ कि जब भी हम कुछ करते हैं, especially जब creatively हम एक video बनाते हैं या एक film बनाते हैं, तो team work is what is most important. And I think जो हमारी इस जहर मोहब्बत की सबसे बड़ी strength है वो हमारी team थी, from you know Adhya Music giving us this beautiful opportunity to work on this together. The directors were incredible. They made the whole experience very very seamless, and it really didn't feel like hum itne extreme conditions mein shoot kar rahe the, Registan mein shoot kar rahe the, but bahut hi acha experience raha. And Afsana ki main hamesha se fan rahi hu. I think inki awaaz bahut strong aur bahut hi unique awaaz hai. So and jo ye song, would you compare to Adele? I would compare you to Adele. Yes, yes. You're Adele of India. Adele of India. Thank you. So, बहुत बहुत मजा आया, and this is the first time Taha and I worked together, but ऐसा लगा नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे थे, and. No, I would like to say that Sonal is very vulnerable जब वो कैमरा के सामने होती, और she has no barriers, right? She wants to work with the other actor. And I feel that is very important. Hamari koi bhi industry mein, especially for an actor and actress, to be able to build that comfort. Because we didn't know each other. We met for the first time on set. Pe hi mile the. So I feel to be able to break that ice immediately, it has to be from both sides. Right. And I think that you have made that very very easy. So I think you made it very easy for me also. Main to easy. Thank you. So yeah, it was a great experience. All. Afsana ji, main aapse jana dunga. Aapki itni pyari awaaz. अध्याय म्यूज़िक को पहले तो बहुत बहुत मुबारक हैं. जिस कंपनी ने इतनी अच्छी, कहते हैं ना कि शुरुआत की है तो आगे तो पता नहीं ये क्या करेंगे, ये तो भगवान ही जाने. इतना अच्छा काम, इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने अच्छी सारी टीम है कि इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि वो इनका काम बोलता है, गाना बोलता है, वीडियो बोलता है, इतने बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं. सो ये सब इनको क्रेडिट जाता है, तो बहुत बहुत मुबारकें, और आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा आगे जाए और काम खूब चले, तो नाम करें आपका. तो यही दुआ है कि बस अच्छा काम करते रहो. बहुत अच्छा लगा मुझे भी काम करके, और इनके सोनल जी के साथ, ताहा और सारी टीम आपके लिए और सबके लिए एक बार ताड़ी लगा दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम. जैसे कि कोविड के बाद से 2023 से देखा गया कि बहुत सारे गाने आए, फिल्में चली, और हर तरह के प्रोजेक्ट 2023 से काम करने लगे, और बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स हम सभी के बीच में. मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, सबसे पहला थॉट कहाँ से है कि हमें जहर मोहब्बत की शुरुआत करनी है और इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है? That goes up to these guys. So basically, we got this song. Lakshan Siddharth is a composer, and उन्होंने ये गाना दिया हमको, एंड पहले लक्ष्य की आवाज़ में था. सो वी थॉट कि मैंने भैया से डिस्कस किया, अभिनव भैया इज आर मेन फाउंडर, सो सभी हाँ ये सॉन्ग जो है ये अफसाना की आवाज़ में बहुत अच्छा लगे, लेट्स डू इट विद अफसाना. देन वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग एंड इट केम आउट वेरी नाइसली, मतलब जो सोचा था उससे भी लाइक अ नॉच अबव. सो वी जस्ट डिड इट. Now we are here. But I think Lakshya ka version bhi hame. Yeah, yeah, it was good. It was good. Aapko release karna chahiye. We will do it soon. Yeah. Sir, main aapse jana chahunga. Song ke shooting ke dauran aisi kaun si cheez hui jo aapne expect nahi ki thi aur wo bhi samne aayi? मैं शूटिंग में देखो कलेक्शन तो नहीं है अभी, फोकस वहाँ पे नहीं है पैसों पे. फोकस सिर्फ इतना है कि कंपनी ग्रो करे और हम सब ग्रो करें, दैट्स द ओनली फोकस रहेगा. ग्रेट. अगर बात पैसों की तो मैं जानना चाहूँगा आर्टिस्ट के बारे में, क्या कुछ है, किस तरीके से काम किया दोनों? मैं सर ने बताया नहीं है. जो मैंने वीडियो देखा है बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे से शूट हुआ.
मतलब शी टोल्ड अस की बियॉन्ड एक्सट्रीम वेदर एंड एवरीथिंग सो दे डिड इट देयर बेस्ट. अफसाना जी आपके जो गाने सेलेक्ट करते हो ना वो हमेशा ऐसे आते हैं कि लोगों के दिलों पे छा जाते, लाइक चिड़िया हो गया, लल्ला लल्ला हो गई, अब ये जहर मोहब्बत आ रही है जी, तो इसमें क्या अलग होने वाला है? हाँ, इसमें अलग यही कोशिश रहती है, जब भी कोई गाना आता है सबसे पहले वो रूह से गाया जाए, दिल से गाया जाए, इसीलिए जब हम रूह से गाएंगे तो आपके दिल को टच करेगा. तो मेरी कोशिश जितने भी गाने मैं गाती हूँ तो मेरी यही रहती है कि पूरा दिल दिमाग रूह से गाना है. तो बस ये जो मुझे ये टैलेंट मिला है तो वो मैं इस गाने में ही अपने आप को प्रूफ करती हूँ कि मुझे सब सुने और प्यार करें. तो इसमें बस अलग ऐसा है कि बहुत अच्छा गाना है, मेरे भी बड़ा दिल के पास है, क्योंकि इसका जो एंड पार्ट है ना वो मोस्ट फेवरेट मेरा है. और सभी जाके यूट्यूब पे सुनिए और फिर पता चलेगा आपको. सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी फेवरेट पार्ट है. लिरिक्स इज वेरी हार्ड. हां सर, मेरा सवाल आपसे कि अक्सर जब भी आपसे मुलाकात आप कहते हैं कि ये साल मेरा है, ये साल मेरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप फिटनेस वाइज भी बहुत खुद पे काम कर, एक्टिंग वाइज भी काम कर, इस गाने को हां कहने की सबसे बड़ी क्या वजह थी? सोनू, I was expecting that. मुझे ये हमने डिसाइड कर लिया. सही बोलेगा. What was the मैं जो B2 together जो इन्हीं जो कंपनी है मैं उन्हें काफी सालों से जानता हूँ और मेरी ये कोशिश थी कि मैं उनके साथ काम करूँ. Especially माही, माही is incredible man. माही एक he's very youthful as a director. वो कभी ज़्यादा सोचता नहीं है, वो हमेशा इट्स ऑलवेज फास्ट फॉर हिम, इट्स ऑलवेज ऑन हिज टोज. वो तो मैं घोड़े का शॉट कर रहा था, वो घोड़े के साथ भाग रहा था, लिटरली उसी की स्पीड पर भाग रहा था कैमरा के साथ, यू नो. सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाय फॉर पुटिंग हिज होल हार्ट एंड सोल इन टू डिरेक्शन. एंड वाई आई सेड येस टू दिस सॉन्ग इज बिकॉज ऑफकोर्स बिसाइड दीज ग्रेट रीजन्स एंड द अमेजिंग सॉन्ग दैट इट इज, हम लोग शूट जो कर रहे थे शारजा में कर रहे थे और शारजा इज माई होम टाउन. मेरी स्कूलिंग शारजा में हुई है. तो सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर मैंने सोचा कि पहली बार दुबई में हम लोग शूट करेंगे, मैंने कभी लाइफ में दुबई में शूट नहीं किए, एंड आई कैन इनवाइट माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, सो आई थॉट दैट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो सो मेरे लिए मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है. आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक और लिरिक्स एंड इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन अ सॉन्ग. मुझे उस तरीके के गाने ज़्यादा पसंद आते हैं. एंड जब मैंने एंड अफसाना की जैसा मैंने पहले भी कहा कि आई बीन अ फैन ऑफ हर्स, तो जब मैंने पहली बार गाना सुना उसमें जो इमोशनल हाइज एंड लोज हैं, जो लिरिक्स थे और जो एनर्जी इन्होंने डाली है, मेरे लिए सबसे पहला रीज़न वही था. और उसके बाद मुझे पता चला कि बी टुगेदर शूट कर रहे हैं उनके साथ. मैंने पहले शूट नहीं किया था, मैं भी काफ़ी टाइम से उनके साथ काम करना चाह रही थी. And then they told me that Taha is, going to be opposite me. So I said, this is going to be, a dream team to work with. And Adhya Music ka ye pehla song hai, and ye launch, isi song se launch ho raha hai. So I wanted to be a part of, the beginning of the journey. Great. Yes. My last sawal aap sabse, jis tarike se aapne kaha ki pehli shuruaat Adhya Music ki, main chahta hu jo Adhya Music ki jo audience fans bani hui, un sabhi ke liye aap kya kuch last minute message dena chahenge is gaane ke through? वेल आई थिंक मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे अभी अभिनव ने भी बोला कि वो पैसे से ज़्यादा आई थिंक उनका जो फोकस है वो एक अच्छा काम करने पर है. एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी वन हु इज़ डूइंग समथिंग इन द क्रिएटिव फील्ड एंड हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस. तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आगे भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सभी के लिए लाएंगे. तो अगर इस तरीके के सॉन्ग्स आपको पसंद हैं सो आई थिंक Adhya Music is your one-stop shop for all the amazing music that you're looking forward to. So please do subscribe and like and comment. मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि audience entertainment चाहती है, और whether it be through audio or video, क्योंकि आजकल audience बहुत ही क्या बोलते हैं 20-30 सेकेंड में वो वीडियो चेंज कर देते हैं. सो यू नो सो सच अ फ्रेश वीडियो एक जो आइडिया है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे ही आइडियाज वर्सेटैलिटी में यू गाइस मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट. एंड आई आल्सो फील दैट दे आर गिविंग
not only, I mean, I'm sure in the future you will give new artists 100%, opportunities, 100%. You know, and I feel that's why the audience should follow the Adaya and the whole team, is because they get to hear not only fresh music, but music from independent artists in the future, fresh outlooks to different ideas, perspectives. The filming of it is going to be at really incredible locations. So I believe to get the visual entertainment and the audio entertainment, that's why we should follow it. मैं भी यही कहूँगी कि आपने देखा ही है कि इतना अच्छा काम किया है, दिल से किया सबने, तो इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए गाने को, कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ और एक्ट्रेस के साथ आपको गाने इस चैनल पे मिलने वाले हैं. सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है पूरी टीम को, और ऐसे गाने अपने चैनल पे बजाते रहो और शाते रहो. अब्दुल कुछ कहना चाहेंगे लास्ट फिल्म ऑडियंस का? सो वी आर वेरी थैंकफुल टू सोनल एंड ताहा, बिकॉज ये हमारा पहला गाना था, एंड जनरली होता नहीं है कि एक्टर्स रेडी हो जाए, पहला लेबल का पहला गाना है, एंड अफसाना की आवाज़ थी, तो ये दोनों को लाइक वी आर वेरी थैंकफुल. नो, इट्स आवर प्लेजर. मैं बोलूँगा नया है बट अच्छा होगा, 100%. And we are coming up with like few great songs like you guys will see in future. So is Janta Bike ko wind up karne se pehle main chahunga agar aapki do line agar hum sun le to safal ho jayega Janta Bike. Le ja be sab kho ke, le ja be sab kho ke, pani di lehar mohabbat yaar de ho to pita pita pita. मैं जहर मोहब्बत यार दे हथों पीता 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 मैं जहर मोहब्बत मैं जहर मोहब्बत.